हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग अलॉटेड जो भी तुम्हारा कॉलेज है उसमें रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्या यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा, कब कब तुम कर सकते हो एंड आल्सो जो है तुम्हें वहाँ पर अभी परमानेंट जाना है या फिर टेम्परेरी जाना है। काफ़ी सारे डाउट्स थे बच्चों के, तो वो सभी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर तुमने एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लिया तो तुम्हारा एडमिशन जो है कन्फर्म हो गया है, उसके लिए तुम्हें अभी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तुम अलॉट कर सकते हो, मतलब अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो उसके लिए कोई पैनिक यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एडमिशन लेटर अपना डाउनलोड हो गया है एंड जो है अभी तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट ही करना है पर्टिकुलर कॉलेज में। तो उसके रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ। वैसे तो बच्चे एक दो दिन लेट भी कर देते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं होती, बट इन्होंने डेट फिक्स कर दी है। तुमने एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लिया होगा एंड डेट्स जो है देख ली होंगी कि कब कब तुम यहाँ पर जो है रिपोर्ट कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग की जो डेट है वो आ गई है एंड आल्सो उसके साथ तुम्हें जो है रिमेनिंग जो भी फीस होगी वो जो है डिपॉजिट करनी होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं बताने वाली हूँ। तो रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग आ गया है कि 11 को और 12 को जो है हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम आराम से जो है रिपोर्ट कर लेना कल, ठीक है। कल आराम से जाकर तुम रिपोर्ट कर सकते हो एंड आल्सो तुम्हें क्या कैरी करके ले जाना वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तुम्हें जो है सब कुछ अपना जितनी भी एसेंशियल थिंग्स हैं वो तुम्हें कैरी करके ले जानी है। बात करें अभी परमानेंट जाना है फिर टेम्परेरी जाना है तो दैट्स अप टू यू। बाकी जो है उन्होंने बुला लिया है, अभी जो है तुम्हारा आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो वहाँ पर परमानेंट भी जा सकते हो एंड अगर तुम्हारी चॉइस है एक बार जो है तुम विजिट करना चाहते हो कॉलेज में, एक बार कंप्लीट कॉलेज विजिट करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह देखना चाहते हो तो एक बार जो है वो भी देख कर आ सकते हो एंड जो है फीस वगैरह जितनी भी है वो तुम डिपॉजिट करके आ सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार अच्छा रहेगा अगर तुम एक बार जो है कंप्लीट विजिट कर लो वहाँ पर जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, बिकॉज उस कॉलेज में तुम्हें आगे जाके पढ़ना है। तो तुम अगर एक बार विजिट कर लोगे तो वेल एंड गुड होगा, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हो सकता है तुम्हें वहाँ पर विजिट करने के बाद लगे कि नहीं मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो वो भी जो है अभी तुम जो है इस चीज़ को क्लियर करके चलोगे आगे नेक्स्ट राउंड्स के लिए। तो यही बोलूँगी कि मैं तुम जो है विजिट करके वहाँ पर देख सकते हो, एक बार चले जाना कॉलेज में एंड वहाँ पर विजिट कर लेना। अब तो बात करें 12 को तुम आराम से विजिट कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट की जो है तुम्हें अभी जो है डिपॉजिट करनी है फीस, ठीक है। तो 16,235 वगैरह मतलब जितनी भी फीस है दैट इज़ अकेडमिक जो फीस थी वो तो भरवा ही ली थी। अभी बात कर रहे हैं कि जो अदर चार्जेस हैं हॉस्टल फीस वगैरह के, तो वो जो है वो तुम्हें कॉलेज में ही जाके डिपॉजिट करने होंगे, बिकॉज वो जो थिंग्स है वो अलग हैं, मतलब कि पीजीआई में अलग लग रही, करनाल में अलग, सफ़ीदों में अलग लग रही है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जो ड्यूज़ हैं वो अलग हैं, तो पर्टिकुलर जो है ऑनलाइन नहीं फिल किया जा सकता। तो तुम्हें जो है ये तो श्योर है कि तुम्हें ऑफलाइन ही जाकर ये चीज़ें जो है वहाँ पर देनी होंगी, ठीक है। वहाँ पर तुम्हें जो बाकी की जो फीस है हॉस्टल वगैरह से रिगार्डिंग वो तुम्हें देनी होंगी। तो अभी बात करें कि कितनी तुम्हें देनी होगी, तो पीजीआई में तो तुमसे 9,000 जो है फिक्स तुम्हें भरवा लेंगे कंप्लीट ईयर का एंड करनाल एंड सफ़ीदों का ये फिक्स नहीं है। करनाल में हो सकता है तुमसे ईयरली ले ली जाए एंड सफ़ीदों में तुमसे मंथली ले ली जाए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आइडिया दे चुकी हूँ पहले भी। तो आई थॉट तो करनाल में जो है तुमसे यहाँ पर ईयरली ही ले ली जाएगी एंड सफ़ीदों में जो है तुमसे मंथली पे की जाएगी, ठीक है। तुम्हें मंथली उसके लिए पे करना होगा, तो ये जो है वो तुम्हें वहीं पर जाकर जो है पता चल जाएगा। तुम वहीं पर जाकर जो है विजिट कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें दे देंगे, पूरी बात तुम्हें पूरी जानकारी जो है तुम्हें दे देंगे, ठीक है, कि कितने यहाँ पर तुम्हें क्या क्या करना है। तो तुम्हें रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, अभी कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में विजिट कर लो एंड जो है फीस वगैरह अपनी जो भी है तुम यहाँ पर दे के आ सकते हो उनको, ठीक है। अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम फीस जो है अपनी फ़ीस पे करके आ सकते हो एंड अगर तुम्हें विजिट करने के बाद कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए
तो तुम रहने भी दे सकते हो, ठीक है, लाइक विजिट करने के बाद जो है तुम नेक्स्ट राउंड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि कैसे हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना है एंड फीस वगैरह डिपॉजिट करनी है। तो तुम अपना जो है कंप्लीट लगेज भी लेके जा सकते हो कि लाइक किसी किसी की हो कि मुझे तो लाइक अच्छी जगह सेलेक्शन हो गया है पीजीआई वगैरह में, तो अभी यहीं ही लेना है, तो वो परमानेंट भी सेटल हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट इसके रिगार्डिंग थी। अगर तुम्हें डाउट्स हैं, ऐसे कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट और नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तनु फोगाट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।